एक बहन का सवाल है कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं गैर शादीशुदा हूँ, क्या मैं अपनी अम्मी के साथ हज कर सकती हूँ? कोई हर्ज की बात नहीं अम्मी के साथ हज करने में, लेकिन कोई मुहरिम होना चाहिए। अम्मी के साथ जब जाते हैं तो कोई भाई है या कोई और मुहरिम है, तो अगर कोई और मुहरिम है तो ऐसी सूरत में आप उनके साथ हज कर सकते हैं। शेख मोहतरम थोड़ी वजाहत करें, क्योंकि मतलब मर्द के अलावा औरत क्या महरिम है, मतलब साथ में रहते हुए क्या औरत सफर के साथी या महरिम के तौर पर जा सकती है क्या औरत के लिए? औरत थोड़ी मतलब जैसे बेटी है माँ के साथ जा रही तो साथी है ना, तो इस तरह समझती है। औरतों का अगर इज्तिमा है और उनके साथ कोई उनका मुहरिम नहीं है तो ऐसी सूरत में हज आप पर वाजिब या फर्ज नहीं है, क्योंकि हज फर्ज होने के लिए, वाजिब होने के लिए जरूरी है मुहरिम का होना। बगैर मुहरिम के औरत सफर नहीं कर सकती है, और अगर करती है तो ये सफर मासियत शुमार होगा। ये सफर मासियत यानी ऐसा सफर जो औरत अल्लाह के अहकामात की मुखालफत करते हुए करती है, ऐसा सफर शुमार किया जाएगा। लिहाजा अगर सिर्फ औरतों का मजमा है, मर्द कोई महरिम मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में बेटी माँ के साथ सफर नहीं कर सकती जब तक के माँ के साथ कोई महरिम मौजूद ना हो।